हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल राजपूत कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, हमारे वीडियो का बनाने का मकसद, और हम आज इस वीडियो में आपको जो आधार का एनरोलमेंट फॉर्म होता है उसको कम्प्लीटली फिल करना बताएंगे। एंड आपको बिना गलती करे अगर हमारा जो वीडियो है आप एक बार में देखते हैं तो आप बिना गलती करे एक बार ही में फॉर्म को फिल कर लेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देख सकते हैं हमारे जो हमने फॉर्म ले रखा है आधार कनेक्शन अपडेट फॉर्म, इसमें इसको किस प्रकार आपको फिल करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एंड आपको लाइव फॉर्म को भर के दिखाएंगे। पहले तो आपको फर्स्ट नंबर में देखना है कि आपको यहाँ पे चूज करना है रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट यानी जो इंडिया में रहने वाला है तो वहाँ है तो यहाँ पर रेसिडेंट ही क्लिक करेंगे क्योंकि नॉन रेसिडेंट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कराने नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपका प्री एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे आपको अगर आधार अपडेट करवा रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे ब्लैंक ही रहेगा, ये सेंटर के द्वारा भरा जाएगा एनरोलमेंट सेंटर के द्वारा। और सेकंड में देख सकते हैं अगर आप आधार अपडेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है सेकेंड वाले में, नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो अगर हम ये अपडेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना है, तो हम डेमो में आपका आधार नंबर फिल करके दिखाएं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस प्रकार आपको जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वो को आपको कम्प्लीटली फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको सेकेंड नंबर में देख सकते हैं अगर आप बायोमेट्रिक या जैसे कि फ़ोटो है, फिंगरप्रिंट है, आयरिस है, ये अगर अपडेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको इस पर टिक करना है, बाकी आपका अपने अनुसार टिक कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये कॉलम सेकंड में जो है सेकंड, आप इसमें आपको देखना होता है अगर आधार अपडेट करवा रहे होंगे तो आपको अपना क्या आधार में अपडेट करवा रहे वो आपको देना होता है। तो जैसे कि हमें आधार में अभी जैसे मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो आपको मोबाइल नंबर पर टिक करना है एंड डेट ऑफ बर्थ पर टिक करना है। जैसे कि आपको एड्रेस भी करना है तो इस पर भी एड्रेस भी कर देंगे, और जो आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, नहीं तो आपका फिर आधार वो सारा कुछ अपडेट कर देगा। इसके बाद में फुल नेम यानी कि आपको रेसिडेंट का यानी कि रेसिडेंट यानी कि खुद का जैसे अगर फॉर्म भरना है तो अपना नाम भरना है, जैसे कि हमारा नाम अपना नीरज बाबू। ठीक, आप हमने अपना नाम भर दिया, इस प्रकार कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ भरना है। और आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे तो यूज कैपिटल लेटर ओनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर दिखाया बताया भी गया है ओनली कैपिटल लेटर में यूज करना है। इसके बाद में फोर्थ नंबर में आ जाएंगे, आपको यहाँ पे अपना जेंडर अपने अनुसार चूज कर लेना है, जैसे कि हमारा मेल यानी कि हम जेंडर तो अपना मेल फेल करेंगे। इसके बाद में आपको फिफ्थ नंबर में देखेंगे, आपको यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और अगर नहीं अपडेट करवाना फिर भी इसको फिल करना है, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हम डाल रहे हैं 27/4/2000, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। इसके बाद में आपको कंफर्म पता है तो आप वेरीफाइड करें, नहीं तो डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। अब हमें तो अपना डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म पता है तो आप वेरीफाइड पर टिक करना है। इसके बाद में सेकेंड में देख सिक्स नंबर वाले कॉलम में आपका एड्रेस का कॉलम होगा, यहाँ पे आपको एड्रेस सी हो यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रेसिडेंट जैसे कि कोई आधार अपडेट करवाने आया, जैसे कि हमारा खुद का आधार एनरोलमेंट सेंटर है, तो कुछ भी भाई क्या करते हैं कि आपका एड्रेस सी ओ में अपना एड्रेस भर देते हैं, जबकि ये नहीं भरना होता है आपको। यहाँ पे आपको क्या भरना होता है, जैसे कि आपका एड्रेस सी ओ मतलब यानी कि पिता, भाई, बहन जो कुछ, यानी कि अपने जैसे कि वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, यानी कि केयर मतलब यानी कि पहले जो आधार में क्या चलता था कि वाइप ऑफ, सन ऑफ ये चीज़ें आती थी, अभी वो सारा कुछ आधार ने हटा दिया है, ओनली केयर ऑफ का ऑप्शन रह गया है। तो आपको केयर ऑफ में जैसे कि हमारे पिताजी या माताजी कुछ भी डाल सकते हैं अपने अनुसार। तो हम यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है कि आप पूरा एड्रेस फिल करे जाए, वो एड्रेस फिल नहीं करना है, ओनली आपको पिता, माता, भाई, वाइफ, जो हस्बैंड है, जो कुछ अपने अनुसार फिल कर सकते हैं, जैसे कि अपने पिताजी का नाम फिल कर दे रहे हैं। इसके बाद में आपको हाउस नीचे देखेंगे, हाउस नंबर आपको अगर हाउस नंबर पता है तो ही फिल करना है, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, जैसे कि हमें अपना हाउस नंबर पता है तो फिल कर देंगे। इसके बाद में स्ट्रीट, ये अगर आपको है आपके पास है तो भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। लैंडमार्क अगर कोई है तो उसको फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना है।
बाकी एरिया लोकेटरी ये भी आपको फिल नहीं करना होता है, कुछ जरूरी भी नहीं होता है इसको फिल करें। और ये आपको कॉलम एक देख सकते हैं, इसके बाद में आ जाता है विलेज टाउन सिटी, यानी कि विलेज टाउन मतलब यानी कि अगर तुम सिटी से आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिटी यानी कि अपना जो सिटी का नाम फिल करना है, टाउन यानी कि अगर टाउन से है तो टाउन का नाम फिलिंग करेंगे। जैसे कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमें अपने विलेज का नाम फिल करना है तो हमारा विलेज का नाम फिल करते रहें। देख सकते हैं एक भी बार यानी कि ओवर राइटिंग नहीं करना है और आपको फॉर्म एकदम साफ साफ भरना है। इसके बाद में देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस अपना नियर जो पोस्ट ऑफिस है वो अपना फिल कर लेंगे। इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है क्या है डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेंगे। इसके बाद में आपको सब डिस्ट्रिक्ट मतलब सब डिस्ट्रिक्ट कुछ लोग क्या करते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट नहीं जानकारी होती है, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील होता है अपना, यहाँ पे आपको तहसील बनना है। इसके बाद में स्टेट यानी कि आपका स्टेट राज्य पूछा जाता है, इसमें आपको राज्य बनना है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है तो अपना हम उत्तर प्रदेश भर देते हैं। इसके बाद में अगर आप आधार में जैसे कि मेल आईडी अपडेट करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेल फिल करना है, जैसे कि हम अपनी मेल फिल कर दे रहे हैं और अपने अनुसार अपना अगर मेल अपडेट करवाना चाहे तो मेल ही फिल करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है आप इसको मेल, ये तो ऑप्शनल होता है दो चीज़ें जैसे कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल। और ये आधार में आपका जरूरी होता है मेल का मतलब बहुत ही अच्छा, आधार में मेल अपडेट होना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आप आधार में मोबाइल नंबर लगाए तो आप अगर जैसे कहीं आधार यूज करते हैं उस पर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल पाएगा कि हमने कहाँ यूज किया, कब यूज हुआ या किसी के द्वारा यूज किया गया, तो आप अगर आपका मोबाइल नंबर लगाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पता भी नहीं चल पाएगा। अगर आपके पास अगर ईमेल मोबाइल में लिंक है तो आपको कहीं भी आपका आधार यूज होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मेल में जरूर मिलेगा, यानी कि स्टैंड जैसे कि आप कहीं भी आधार यूज होगा तो तुरंत आपके मेल पर मेल एक आ जाता है कि आपका इस जगह आपका सक्सेसफुली आधार यूज हुआ या नहीं हुआ, वो आपका इसकी शॉट हम आपको वीडियो में साइड में लगा देंगे, आप देख लेना किस प्रकार हमें मेल आता है वो आधार की तरफ से। जैसे कि अपना मेल फिल कर दे रहे हैं, मेल आपको स्मॉल लेटर में ही फिल करना है और जरूरी नहीं है आप कैपिटल लेटर में फिल करें। और आपको इतना देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि ईमेल अपना ईमेल आईडी के बाद में @gmail.com वगैरह भर देते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं फिल करना है, आपको इतना ये ओनली यूजर नेम फिल करना होता है, बाकी @ वाला वो ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाता है, तो आपको ये चीज़ नहीं फिल करना होता है। एक तो आपको जैसे कि हमारा ईमेल आईडी neerajbabu074 और इसके बाद में @ बस, बाकी आपका कुछ नहीं लिखना होता है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं, जैसे कि अपना ये हमारा नंबर डेमो है, आप इसमें कॉल करके मत परेशान करें क्योंकि ये नंबर गलत है, आप नहीं तो आप कॉल करें। और इसके बाद में अपना एरिया पिन कोड वो अपने अनुसार फिल कर लेना है, जो अपने है वो हम अपना फिल कर दे रहे हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर पे क्या करते हैं कि बहुत से कुछ लोग होते हैं कि आप आधार अपडेट करवाने आए हैं तो फिर भी आप ये फिल कर देते हैं, 7 नंबर आपको फिल नहीं करना होता है क्योंकि अगर आप आधार में अपडेट करवा रहे हैं तो ये आपको मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको ये फिल करें। इसमें लिखा भी होता है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर कि आप अगर नया आधार बनवाने जाते हैं, जैसे कि अगर बच्चे का है जैसे कि वो 5 साल के बाद जो नीचे का बच्चे का अगर आधार बनवाते हैं तो आपका माता या पिता यानी कि कोई गार्जियन की एक डिटेल देना होता है, जैसे कि उनका नाम एंड आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी। और ये आपको अपडेट अगर आधार करवाने गए तो ये आपको फिल नहीं करना है, आपको ये वाला ऑप्शन फिल नहीं करना है। इसके बाद में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपको अगर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, ईमेल अपडेट करवाना है, जेंडर अपडेट करवाना है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का आगे आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको 6 नंबर तक फॉर्म भर के इसके बाद में फॉर्म कम्प्लीट हो जाता है और आपने यहाँ पर अपना जो एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर सिग्नेचर करके अपना एनरोलमेंट डेट किस डेट को आप डेट एनरोलमेंट करवा रहे हैं तो वो अपना डेट फिल कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि आप फिल करें। इसके बाद में ये और यहाँ पे आप जैसे कि आप हमने ये नंबर के लिए बताया और ईमेल और जेंडर के लिए बताया, इसके बाद में अगर डेट ऑफ बर्थ नाम और एड्रेस वगैरह अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला फिर कॉलम फिर करना होता है। तो अपने अनुसार यहाँ पे आपने जैसे कि
हम मान सकते लिया हमने डेट ऑफ बर्थ अगर हम चेंज करवा रहे हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ में वेरिफिकेशन टाइप यानी किस प्रकार किस डॉक्यूमेंट से यानी किस बेस पर आप आधार में डेट ऑफ बर्थ सही करवा रहे हैं। तो यानी कि जैसे कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर नाम या डेट एड्रेस तभी आपको इस कॉलम को फिल करना होता है। जैसे कि अपना हम मान लिया कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो आपको किस इसमें पूछता है कि वेरिफिकेशन टाइप यानी किस डॉक्यूमेंट मतलब किस आपको इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है इन डॉक्यूमेंट बेस यानी कि हम अपने जैसे कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के अनुसार अपना वो डी ओ बी चेंज करवा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट बेस पर क्लिक करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बेस ही पर नाम एंड एड्रेस और डी ओ बी चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे टिक करना है, इसके बाद में आपको एड नंबर में आ जाता है आना है। यहाँ पे देखेंगे फॉर डॉक्यूमेंट बेस यानी कि आप जैसे कि हमने बताया कि डी ओ बी चेंज करवा रहे हैं तो अपने इसमें इसमें बताना होता है कि डी ओ बी चेंज करवाने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिससे आप डी ओ बी चेंज करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम सी नंबर के ऑप्शन में आके देखेंगे डी ओ बी का ऑप्शन दिया है मैंडेटरी इन केस योर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ यानी कि वेरीफाइड जिसमें डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपकी क्लियर डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डॉक्यूमेंट देना है और डॉक्यूमेंट का नाम देना है। जैसे कि हमने टेंथ की मार्कशीट दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए तो यहाँ पे अपना यहाँ पे लिखना है टेंथ मार्कशीट। इस प्रकार आपको बाकी का आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको कहीं फिल नहीं करना होता है, बाकी ये सब नौ नंबर वाला ऑप्शन होता है ये भी छोड़ देना है क्योंकि ये इसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे अपना जैसे कि सिग्नेचर अपना सिग्नेचर कर लेना होता है। इसके बाद में अपना किस डेट पे आप एनरोलमेंट करवा रहे हैं जैसे कि हम 21/3/2022 को अपना जी वीडियो बना रहे हैं उसका हमने डेट डाल दिया वो अपने अनुसार जहाँ पे जब जाते हैं एनरोलमेंट करवाने तो अब उसी डेट को फिल करेंगे। बाकी आपका फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। फॉर्म हमारा कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है आपको और इसमें कुछ नहीं करना होता है। इस प्रकार आपको जो आधार एनरोलमेंट एंड करेक्शन एंड अपडेट फॉर्म फिल करना होता है। इस वीडियो से जानकारी जो हमारी है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस करें। इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में जिससे वो भी इस फॉर्म के फिल करने की जानकारी ले पाएँ। एंड और भाई हमने देखा है कि हमारे जो वीडियो को देखने वाले व्यूअर बहुत ज़्यादा हैं वो भी अनसब्सक्राइब वीडियो में देखे जाते हैं। आप प्लीज़ हमारे अगर वीडियो अगर अच्छा लगा करें तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से किया करें जिससे हमें मिलती है कि हम जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसमें आप मिशन आपको अच्छी लगी या नहीं लगी उससे हमें पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा इसी वजह से आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया वीडियो को। इस प्रकार